हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है जनरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जनरेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर क्या काम करता है कि जनरेटर जो होता है हमारा, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है के डीसी जनरेटर। ठीक है, एक होता है हमारा एसी जनरेटर और दूसरा हम लोग का होता है क्या, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि जब ये दो तरीके का होता है तो दोनों में कोई ना कोई चीज डिफरेंस भी होगा। ठीक है, कोई ना कोई दो चीज अलग भी होंगी। तो क्या होता है, ये जो एसी जनरेटर होता है, ये हमारे जो फ्लेमिंग्स है, फ्लेमिंग्स का जो रूल है उनका, ये क्या होता है कि हमेशा एसी जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पर होता है, राइट हैंड साइड रूल पर होता है, और ये क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड रूल पर होता है। डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लेफ्ट हैंड रूल पर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो होता है एसी करंट में, एसी जनरेटर में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्लिप रिंग। इसमें स्लिप रिंग लगी होती है इसमें एसी जनरेटर में, और बल्कि डीसी जनरेटर में हमारा क्या लगा होता है, डीसी जनरेटर में हम जैसा कि देखेंगे कि डीसी जनरेटर में हमारा क्या लगा होता है, स्प्लिट रिंग लगी होती है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, स्लिप रिंग लगी होती है इसमें एसी जनरेटर में, और डीसी जनरेटर में क्या लगा होता है, स्प्लिट रिंग होती है। क्या लगी होती है? स्प्लिट रिंग लगी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसमें ब्रशेस भी लगे होते हैं कार्बन के, इसमें भी लगे होते हैं कार्बन के ब्रश। ठीक, अच्छा, अब आप लोग देखेंगे जो स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग होगी, ठीक है, क्या होगी हम लोग की स्प्लिट रिंग जो होगी उसको हम लोग कहीं कहीं पर देखेंगे कम्युनिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए कम्युनिकेटर इसको इसको जो है स्प्लिट रिंग को कम्युनिकेटर नहीं कहा जाता। दरअसल बात ये होती है कि जो स्प्लिट रिंग लगी होती है वो क्या होती है, वो काफी सारे स्प्लिट रिंग को आपस में मिलाकर एक कम्युनिकेटर तैयार किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या हमको मिलता है, जिससे हम लोग को डीसी करंट मिलता है। क्या मिलता है? जहां से हम लोग को डीसी करंट मिलता है। ठीक है, इसको हाफ साइकिल रिंग भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग को। ठीक है, क्या कहते हैं? हाफ साइकिल रिंग भी कहते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट समझते हैं अच्छे से एसी जनरेटर को। ठीक है, इसको एसी जनरेटर को, ठीक है, देखते हैं एसी जनरेटर को और अच्छे से समझेंगे। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, सबसे पहले एसी जनरेटर का, एसी जनरेटर। ठीक है, क्या भाई? एसी जनरेटर। तो फिगर ड्रॉ करते हैं, ये दो मैग्नेट है, मैग्नेट के जो मैग्नेट होता है इस तरीके से एक मैग्नेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से ब्रेक करते हैं इसको तो ये क्या काम करता है, ये नॉर्थ पोल इसको बना देता है और ये क्या बना देता है, साउथ पोल। ठीक है, तो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का लेक्चर लेंगे जहाँ पे हम अच्छे से समझाएंगे। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। इसके बीच में क्या होता है, एक तार लगा होता है या एक आर्मेचर लगा होता है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर बोलते हैं इसमें, जैसे कि आप जान रहे हैं कि रिंग लगी होती है, क्या होती है भाई, इस रिंग को क्या कहते हैं, एसी करंट में जो रिंग लगी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लिप रिंग। क्या कहते हैं?
स्लिप रिंग, ये भी स्लिप रिंग लगी है। अब इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें कार्बन के ब्रशेस लगे, यहां पर भी कार्बन का ब्रश लगा हुआ, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, ये क्या है, कार्बन का ब्रश, ठीक, ये क्या है, कार्बन का ब्रश लगा हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है, ये क्या कहलाएगा हम लोग का आर्मेचर, ठीक है। तो फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म लंदन में हुआ था 22 सितंबर 1791, ठीक, फैराडे का जन्म हुआ था। ये लंदन के एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड और जैसी काफी सारी खोजें की हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक रूल बताया, एक चीज बताया, इन्होंने इसकी भी खोज की है। तो इन्होंने बताया कहा कि क्या कहा कि जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र के बीच में किसी तार, चालक तार को, ठीक है, यानी कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी क्या काम करते हैं, चालक तार, यानी कि ऐसा तार जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, जा आ सके, ठीक है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, मूव कर सके, ऐसे तार क्या करा जाए, लगाया जाए और उसके बाद क्या किया जाए, उनको क्या काम किया जाए, घुमाया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, उन तार को घुमाया जाए तो क्या होगा, उनसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से इधर ऐसे चलती है, ठीक है, धारा जो कि ऐसे, ठीक, ऐसे। तो ये क्या आप उन्होंने बताया, फैराडे कहते हैं कि जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र के बीच में किसी चालक तार को हम लोग क्या काम करते हैं, घुमाते हैं, तो वहां से क्या होता है, हम लोग को वैद्युत धारा मिलती है, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या होती है, स्लिप रिंग लगी होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुंचती है इसके बाद क्या करती है, स्लिप रिंग में चली जाती है, ठीक है, स्लिप रिंग के पास जाती है। उसके बाद वहां पर उस पर कार्बन के ब्रशेज लगे होते हैं जिससे हमको क्या काम होता है, ये हमको क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को प्रोवाइड होती है, ठीक है, यहाँ से मिल जाती है। अब देख लेते हैं स्लिप रिंग, तो ये देख लें आप, एक सर्कल बन रहा है, यानी कि ये पूरा 360 डिग्री पूरा क्या होता है, साइनोसाइडल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, 360 डिग्री पूरा मूव करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये फुल साइकिल, इसको फुल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, फुल साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये 360 डिग्री पूरा घूमता है। इसके बाद देख लेते हैं की वॉट इज डीसी करंट, डीसी करंट क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, देखेंगे तो भाई डीसी जनरेटर क्या होता है, इसका भी फिगर ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर लगे होते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगी होती है इस तरीके से, और यहाँ पे कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, ये क्या होता है, कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यहां पर क्या, ये
ये क्या है ब्रश, कार्बन के ब्रश, ठीक है, कार्बन के ब्रशेस लगे हुए हैं। यहाँ पर भी वही होता है कि फैराडे के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यानी कि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू फैराडे थ्योरी, वो क्या कहते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी तार को क्या करते हैं, घुमाया जाता है, तो वहां से क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही रूल होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्लिप रिंग है, स्प्लिट रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग लगी हुई है, तो देखते हैं कि ये क्या काम करता है। यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट रिंग लगी होती है, तो इसमें क्या होता है भाई कि कभी इसमें जो आर्मेचर होते हैं ये पूरा फुल साइकिल नहीं करते, बल्कि क्या काम करते हैं, हाफ साइकिल करते हैं, यानी कि 180 डिग्री मूव करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री वो करते हैं, तो यानी कि इसको हाफ साइकिल कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हाफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें स्प्लिट रिंग लगी, ठीक। यहाँ पर कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं दो, और इससे क्या होता है हमको मिलता है। अब देखें कि ये जो आर्मेचर होता है, यानी कि ये जो आर्मेचर लगा हुआ है, इसको किस तरीके से घुमाया जाता है, यानी कि जो आर्मेचर होता है इसको हम लोग किस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको काफी तरीकों से घुमाया जाता है, जिनमें सबसे पहला तरीका है कि विंड मिल, ठीक है, विंड मिल आप लोगों ने देखा होगा। तो विंड मिल क्या होता है कि वहां पर जिसको हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी हवा होती है वो जब बहुत तेजी से चलती है तो क्या होता है, ये इस तरीके से कुछ पंखे नुमा बनी होती है इस तरीके से, तो क्या होता है जब इस पर काफी तेज से हवा पड़ती है तो क्या काम करता है कि ये बहुत तेजी से पंखा घूमने लगता है, और ये क्या काम करता है, ये आर्मेचर को, ये जो आर्मेचर लगा होता है यहाँ पर, ये आर्मेचर को भी घुमाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसके साथ साथ देख लेते हैं इसको विंड मिल के साथ साथ जो हम लोग जानते हैं कि डैम, ज्यादातर इंडिया में डैम से लाइट इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, तो डैम जो होता है डैम इस तरीके से बनाया जाता है जहाँ पे बहुत तेजी से पानी को क्या किया जाता है, गिराया जाता है, बहुत तेजी से पानी को गिराया जाता है, जिससे क्या होता है ये जिससे क्या होता है ये आर्मेचर बहुत आर्मेचर पे ही नहीं गिराया जाता, बल्कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से, मान लीजिए ये आर्मेचर है, एक आर्मेचर है, और ऐसे करके यहाँ पर कोई ऐसी चीज लगा दी गई है, इस पर बहुत काफी तेजी से काफी फोर्स से पानी गिराया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा ये बहुत तेजी से घूमेगी, और जब ये घूमेगी तो साथ साथ क्या होगा हमारा हमारा ये भी आर्मेचर भी क्या काम करेगा, घूमेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये हम लोग का डैम, डैम में हम लोग इसका ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंपली घर में भी जो जनरेटर वगैरह होता है उसमें क्या होता है, इंजन लगे होते हैं उसमें, और वहां पे भी आर्मेचर क्या होता है, उस इंजन से जुड़ा होता है, इसकी वजह से हम जैसे इंजन उसको चलाते हैं इंजन को, तो वो भी क्या काम करता है, आर्मेचर को काफी तेजी से घुमाता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसके साथ साथ देखते हैं हम लोग कि भाप यानी कि स्ट्रीम से भी लाइट को पैदा किया जाता, मतलब बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कराया जाता है, बनाया जाता है, जैसे कि क्या कोयले या भट्टी वगैरह जला के क्या काम किया जाता है, यहाँ पर बहुत तेजी से इसको क्या दिया जाता है, भाप दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये काफी तेजी से घूमता है, और जो कि क्या काम करता है अपने साथ साथ आर्मेचर को भी घुमाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप अगर आपको लेक्चर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी गलती हो या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आती हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।